हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद परी। आज ना हम लोग पेटी से एक घर बनाएंगे, ओके। और हम लोग फिर ये सारा सजा कर रखेंगे उस पे, फिर हम लोग खेलेंगे भी। तो चलो हम लोग, हमको क्या क्या चाहिए वो मैं बताती हूँ। हमको ऐसे एक पेटी चाहिए, और ऐसे ये कैसे दिखता है देखो, ऐसे दिखना चाहिए, दिख पा रहे? ओके, इसको मैं इधर फिर से रख लेती हूँ, वरना फिर से मैं सजा कर नहीं रख पाऊँगी, ठीक है, इसको इधर। और हमको एक पत्थर चाहिए, और टू टू क्लिप्स, अपना मर्जी का कलर क्लिप्स, जो हम लोग कपड़ा सुखाते हैं उसका क्लिप्स, दो दो क्लिप्स चाहिए, ठीक है। और एक स्पून चाहिए, और हमको एक डॉल भी चाहिए जो मेरे पापा मेरे लिए मनाया है, और वैसे भी मिनी माउस मेरा फेवरेट है ना, तो इसलिए मेरे पापा मेरे लिए मिनी माउस ऐसे ही कपड़े से बनाए हैं डॉल। और हमको एक कप चाहिए, टॉय कप, और एक ब्लॉक उसका सोफ़ा के लिए, खाना के लिए एक ब्लॉक, और एक क्ले का बाउल, और ऐसे एक डब्बा जैसे कुछ भी हो, और एक टॉय गैस। तो ये पहले हम लोग घर बनाना का स्टार्ट करते हैं, पहले हमको लोग ये करते हैं। और आप जो होल्स देख रहे हैं इधर, ये उसका विंडोज है, तो हम लोग रखेंगे ऐसे, और इसको एक बार इधर ऐसे रख लेंगे, और इसको ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। और चलो ये वाला एक क्लिप इधर लगाएंगे, वरना सेलो टेप से तो लग भी नहीं रहा था इसलिए, और ये वाला इधर। सिंपल ही तो है ना, मैं पहले से ही इधर ना क्या बोलते हैं, कोम से इधर ऐसे एक डोम बना ली, बहुत छोटा डोम बन गया, सॉरी बहुत छोटा डोम बन गया, ये बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं जा पाएगी, तो ऐसे सूटे सूटे जाएगी, ओके। तो घर बहुत सिंपल है, इसलिए हम लोग बना ली घर, अब सारा सेटिंग करना है। तो सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, फिर से खोलना पड़ेगा, खोलना भी बिना सिंपल है, ठीक है। तो पहले हम लोग किससे स्टार्ट करें, टोस्ट रूम, हाँ पहले, फिर पहले सजाएंगे फिर डॉल को रखेंगे। चलो पहले हम ये गैस, कुकर गैस को इधर, हाँ इधर रखेंगे, इधर रखेंगे, और ये बेड है उनका, तो ये इधर होगा, सोएंगे इधर वो लोग, ये उनका पिल्लो है, और मैं मतलब ये उनका सोफ़ा है, नहीं ये उनका बेड है, उनके पास तो सोफ़ा नहीं है, नेक्स्ट उनके पास सोफ़ा नहीं है, क्योंकि उनका बेड बहुत बड़ा है, इसीलिए ये उनका सोफ़ा है, और सोने का रूम, सोने का बेड भी है। और ये उनका बाउल है जो कहाँ रहेगा, हाँ इधर सारा चीज़ें रहेगा, और ये वो ऑर्डर करेगी ना, तो इसको इधर, और ये उनके उसके पास ही रहेगा इधर, और ये स्पून इधर, और क्या बाकी है, कुछ नहीं ना, ओ ये बाकी है, इसको हम वो इधर रखेंगे, पूरा घर ही पूरा स्टोर हो गया है, देखिए, ओके चलो इसको भी कहाँ रखेंगे, ओ अभी तो सोने का टाइम है ना, ठीक है स्टार्ट करें, शुरू करें क्या, मेरे घर पे तो बस एक ही चीज़ है जो कि, चलो मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ, मुझे क्या ऑर्डर करना है, मुझे एक मैंगो ऑर्डर करना है, बस मैंगो ही बाकी है मेरे घर पे, चलो मैं खाली मैंगो ही ऑर्डर कर लेती हूँ। अब मैं बास्केट में या डिलीवरी बास्केट, ओह ओह नहीं हो रहा है, ऐसे रखना पड़ता है मुझे,
काश मेरा घर बड़ा होता, काश मेरा घर बड़ा होता। नींद लग रही है, मैं सो जाती हूँ। अब चलो ये लगा लेते हैं, क्योंकि अभी तो निन्नी निन्नी का टाइम है ना। टिक टॉक टिक टॉक। ओके हो गया। कुकुड़ुकू कुकुड़ुकू। हाँ ओ सुबह हो गई, अब ये उठ गई। शायद बीवी डेली नहीं दिया होगा, क्योंकि कोरोना वायरस शायद चल रहा होगा। चलो मैं देखती हूँ, तो मैं कुछ खाना बनाती हूँ। ओ ये तो मेरा बेड छेक रहा, चलो मैं अब कुछ करती हूँ। मुझे थोड़ा ये नमक चाहिए, और मेरा स्पूनी 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 यारा स्पूनी 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 ओ मैं ऑन बिना करके कौन करता है कुकिंग, छोड़ो। खून ही निकलने लगा है, देखिए ऐसे पेंट है उसका, खून निकलने वाला। ठीक हो गया, चलो मैं अब ध्यान से कुकिंग करूंगी। हाँ अब मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ। अब मैं फ्राई करती हूँ। तो अब क्या हुआ, खाना तैयार। डाइनिंग टेबल, यहाँ मेरा डाइनिंग टेबल, मैं यहाँ पिल्लो को मैं कहाँ रखूँ, हाँ हाँ मैं यहाँ पिल्लो को मैं यहाँ रख लेती हूँ। ला मेरा डाइनिंग टेबल, यम्मी बहुत यम्मी यम्मी दिख रहा है। यम 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 मजा आ गया। अब मैं वापस सारा रख लेती हूँ, वरना मेरा घर फिर से डोटी दिखेगा। मेरा घर को मैं डोटी कभी नहीं दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सो जाती हूँ, अब जब शाम होगा तब अच्छा होगा। शाम हो गई, अब चलो आराम मिलेगा थोड़ा। चलो मैं अंदर ही खेलती हूँ, क्योंकि बहुत तो कोरोना वायरस चल रहा है। अब मैं कैसे खेल, मेरे घर पे तो कोई टॉय भी नहीं है, लेकिन टीवी तो है ना। चलो मैं टीवी पे कुछ देखती हूँ। क्या देखूँ मैं, क्या देखूँ मैं, हाँ मेरा क्या लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर या लिटिल मास्टर पीप। हमें थोड़ा सोते सोते देख लेते। सो द विनर इज दम ढक 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 ढक। सो द विनर इज भार्गवी। ये लिटिल मास्टर, हो लिटिल मास्टर। अब मैं बंद कर देती हूँ, बंद का ऑप्शन। हाँ अब मैं थोड़ा मेरा क्या बोलते हैं कि हाँ मैं डिनर बना लेती हूँ, कुछ डिफरेंट बनाऊंगी। क्या मैं मैगी बना लूँ, कुछ भी वापस और नहीं है। ठीक है चलो मैं बना ही लेती हूँ। पहले मैं थोड़ा उसका ये पानी डाल देती हूँ।
पास्ता बना ले। अब थोड़ा मैगी का पैकेट टोट कप मैगी भी तो बनाना है। मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, थोड़ा बंद कर गैस को, थोड़ा टाइम के लिए चाहिए। फ्रिज में से ये रहा मैगी का पैकेट, इसको मैं पकला लेती हूँ। ला ला ला। अब स्पूनी स्पूनी स्पूनी, अब मैं थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। यप्पी, मैगी बन गया। अब मैं थोड़ा खाना खाने का टाइम शुरू। सॉरी दोस्तों, मैं इसका नाम बोलना भूल गई। इसका नाम है मेरा फेवरेट नाम, आरू। आरू, वैसे भी मैं इसका नाम इसलिए आरू दे रही हूँ क्योंकि वैसे भी मेरा पापा का नाम आशुतोष है और इस और मेरी मम्मी का नाम रूबी है, तो इसका आरू। ए फॉर आशुतोष, आर फॉर रूबी। चलो मैं अब खेलती हूँ। रूबी स्टाइन, मतलब आरू स्टाइन टू ईट। यप्पी। सोने का टाइम है। मैं कुछ कोरोना वायरस के बारे पे कुछ देखती हूँ। कोरोना वायरस पे क्या देखूँ? हाँ जी, ये कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस के लिए तो बहुत बोरिंग लग रहा है मुझे। हाँ, मैं कुछ टिकटॉक वीडियो देख लेती हूँ। टिकटॉक वीडियो, ओ बहुत लास्ट पे, हाँ टिकटॉक वीडियो। भैया, मम्मी बुला रही है। मम्मी बुला रही है लेकिन जाने का नहीं। अरे बे, रोटी खाने के लिए बुला रही है। नेक्स्ट, तुझको लगाऊंगी मैं घींच के गोवा वाले बीच में, बेबी ऐसे मीच में ठंडे ठंडे बर्फ पियेंगे दोनों फोटो घींच के गोवा वाले बीच में। वंस अगेन, बहुत फनी था। तुझको लगाऊंगी मैं घींच के गोवा वाले बीच में, बेबी आके मीच में ठंडे ठंडे बर्फ पियेंगे दोनों फोटो घींच के लोहा वाले बीच में। मैं नेक्स्ट करूंगी। इस पे तो कोई गाना ही नहीं है, लेकिन शूज तो है। बहुत फनी था। इसमें क्या हुआ था बताऊं? इसमें एक आंटी अपने शूज मना दी थी और एक अंकल चाय पी रहे थे। वो तो पूरा अंकल को ये फेंक दी पूरा चाय उसके पूरे इस बॉडी पे ही आ गया। बहुत फनी है। हो गया काम, चलो मैं अब सोती हूँ, टाइम हो गया, गुड नाइट। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो नहीं, और एक चीज़, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वैसे भी मैं आपको बता लेती हूँ कि बेल बटन क्यों प्रेस करना है। अगर आप बेल बटन को प्रेस करोगे तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगी या फिर भेजूंगी,
आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए बेल बटन आपको दबाना है। अगर आपको तुरंत नहीं पता अगर आप बेल और अगर आपको बेल बटन नहीं प्रेस करना है तो ठीक है। बाय फ्रेंड्स।